जीन्स पहन घाघरे वाली घाघरे वाली हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सबको मेरी और से ऑक्सीजन कपल की और से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सब लोग सुरक्षित रहे। तो मैं और अनायशा जा रहे हैं आज बाहर, आज मुझे भी ऑफ है, तो हमने सोचा कुछ आज टेस्टी सा बनाते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी पनीर लाने, देखते पनीर से हम क्या बनाते हैं। तो मेरे साथ है अनायशा और सोनाली शर्मा भी रेस्ट कर रही है, अभी फोन चला रही है। अच्छा बात कर रहे हैं। अनायशा कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रही हूँ पनीर लेने जा रहे हैं और अनायशा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैडम खुद चलने लग गई अब। ये अनायशा रेलिंग उतर रही है खुद अब। तो हाय फ्रेंड्स, मैं सामान लेके आ गया हूँ। तो मुझे लाना था सिर्फ पनीर और क्या लाना है शुभम, और ये है कॉर्नफ्लावर। तो अनायशा गाड़ी में ही बैठी थी, मैं वापस आया। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, अब इसकी हम तैयारी करेंगे। और हम आज ना बहुत ही अच्छी चीज बना रहे हैं, तो देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। आपके साथ भी रेसिपी जरूर शेयर करेंगे, आप वीडियो में बने रहना प्लीज। ना यहाँ पे बेचारी कुत्ती है, एक कुत्ती है मतलब रेड कलर की, इसकी किसी ने पाँव में मारा है। देखो तो बेचारी चल भी नहीं पा रही। तो आंटी इसको रोटी लेके आए हैं, ना ऐसे ने बोला है, देखने चल भी नहीं पा रही बेचारी। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो ये भी फ्री हो चुकी है फोन सुन के। ये है हमारी अनायशा शर्मा, बस खाने का ही काम है इसको। तो फ्रेंड्स मैंने ना कुछ मंगाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। खुशी बहुत टाइम बाद कुछ मैंने मंगाया। झूठ क्या सच्ची है, बहुत टाइम हो गया था। शूज मैंने बताया कब मंगाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, आज काफी टाइम बाद था, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बहुत टाइम हो चुका था मुझे अनबॉक्सिंग कर। मैंने मंगाए थे रेड टेप के शूज, बिकॉज मेरे पास स्नीकर्स नहीं थे। मैं बहुत गरीब हो चुका था आजकल, तो मेरे पास स्नीकर्स नहीं थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वेट, ये सबसे पहले निकला है इसका पर्चा, बिल इनवॉइस। उसके बाद ये देखिए फोटो ले लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मंगाए थे मैंने शूज रेड टेप मार दिया। तो मैं बहुत दिन से ना इस शूज को फॉलो कर रहा था फ्लिपकार्ट पे, रेड टेप की वेबसाइट पे। मैंने सोचा जब इस पे अच्छा सा डिस्काउंट लगेगा ना, तो मैं इसको लूंगा। तो पहन के दिखाओ। मैंने इसको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे लिया है, तगड़ा। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ जरा। फ्री में ही मिला ये तुमको? फ्री में तो नहीं मिला यार, बट अच्छे डिस्काउंट में मिला। आपको पसंद आए? अच्छे लगे? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है शूज। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में? तो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं इसके साथ में। ये जब मैं जीन्स पहनूंगा, जीन्स घाघरे वाली जो खुली खुली सी है, जब मैं वो पहनूंगा उसके साथ, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। बट आप फिर भी कमेंट करके बताना की कैसे लग रहे है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, तो दिन के बाद हम लोगों ने ब्लॉग शूट नहीं करा, तो उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट वगैरह करा और अब हो गया है आरती का टाइम। हमने आरती वगैरह कर ली है, धूप बत्ती हो चुकी है और उसके बाद अब आती है डिनर बनाने की बारी। तो आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के दिन स्पेशल खाना बनेगा क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए आज़ादी का दिन था, तो बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। पर आज हिमाचल में तो 15 अगस्त बिल्कुल नहीं मनाया गया, सिर्फ झंडा फहराया गया क्योंकि इतना ज़्यादा वो डेड हुए हैं लोग, मतलब लैंडस्लाइड हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, तो उस वजह से आज कोई 15 अगस्त नहीं बना। तो चलिए हम लोग खाना अच्छा बना सकते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज सोचा कि हम लोग आज अच्छा सा डिनर बनाएंगे। तो आज बनाएंगे हम लोग क्या बनाएंगे? बनाएंगे क्या बनाएंगे ना यीशु? एग कड़ी, बिना एग से एग कड़ी, मतलब वेजिटेरियन वाली। हाँ,
तो आज ईद बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, तो आप प्लीज पूरा देखना, स्किप मत करना। मैंने कैसे बिना अंडे से एग कड़ी बनाई है, तो बनाते होंगे लोग मुझे जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं वो भी बनाते होंगे, पर मैंने ये बनाई है तो मैं आपके साथ शेयर करी। और आप लोग कैसे बनाते हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज लाइक करा करो। आप लोग लाइक नहीं करते, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कमेंट करके बता दिया करो। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी डिश है स्पेशल 15 अगस्त की, जो मैं आजादी के दिन बनाने वाली हूँ बिना एग से एग कड़ी। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे ही मैं किचन गई वैसे ही लाइट चली गई, और मैंने लाइट का वेट करा पर लाइट आई नहीं, तो इसीलिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ी सी क्लिप बिना लाइट से है, कम लाइट से है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर देना। तो सबसे पहले मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, उसको ग्रेट कर देना है, और पहले ग्रेटर में ना थोड़ा सा ऑयल लगा देना है जिससे ना चिपके ना पनीर इस पर। और उसके बाद मैंने 2 बॉयल आलू लेने हैं, तो आप बॉयल आलू को ठंडा कर देना, उसके बाद उसको ग्रेट करना। उसके बाद उसमें नमक डाला है, 2 छोटे स्पून डाले हैं मैंने नमक के। इसमें ग्रेवी में नमक पड़ेगा इसीलिए पहले कम नमक का यूज़ करना। और बाइंडिंग के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदा का यूज़ भी कर सकते हो। तो मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें डाला है, टेबलस्पून। और उसके बाद इसको अपने हाथों की हेल्प से मसलना है और अच्छे से मिक्स करना है, पनीर आलू और जो कॉर्नफ्लावर डाला है। और उसके बाद जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए उसके बाद का थर्ड पोर्शन निकाल देना है, और जो ज़्यादा वाला है उसको आप साइड में रख देना, जो कम वाला है उसके हम लोग उसमें हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। तो जो ये रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। जो मैं अब ट्राई करती हूँ फर्स्ट या मैं पहले से बनाती हूँ तो मैं आपको सच बता देती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अगर अच्छा होगा तभी मैं आपको बोलूँगी, नहीं तो मैं अदरवाइज़ मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। तो मैंने इसमें हल्दी ऐड करी, अगर आप कलर फूड कलर है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने येलो कलर डाला है, तो उसके फिर उसके बाद उसके बॉल से बनाने हैं गोल गोल छोटे बड़े, और इस हाथ को ना धो लेना है जिससे आपको ये इसमें ना लग जाए, इसलिए ये वाला पनीर भी येलो हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों ने तो साइड में पनीर रखा था उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेंगे और गोल गोल करेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे बीचे, मतलब जिस तरह से हम लोग चपाती के लिए गोल गोल करते हैं उस तरह से इसको प्रेस कर देना है बीच से, और उसके अंदर इसको स्टफिंग भर देनी है जो हम लोगों ने बॉल बनाए थे, येलो वाले बॉल बनाए थे, और उसका इसको बंद कर देना है और उसको ओवल शेप में देनी, जो हम अंडे की शेप होती है उस शेप में इसको देना है। और ये गाइस बिल्कुल नहीं फटता, मैंने ये सोचा था कि मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा, पर मेरे से बिल्कुल परफेक्ट बना था, जैसे मैंने सोचा था उस तरह से ही बना था। इसमें अगर आप ध्यान रखना, अगर आप ये आपका जब आप इसमें डालोगे अंदर येलो वाला, अगर आपका बाइंडिंग अच्छे से नहीं हुई तो उसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हो थोड़ा और, जिससे ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। उसके बाद इसको ड्राई कॉर्नफ्लावर में डालना है और एक्स्ट्रा इससे निकाल देना है अपने हाथों की हेल्प से, सभी एग को उस तरह से करना है। और यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, प्लीज़ ट्रू ट्राई करना। और यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँ, ऑयल मैंने कम लिया है क्योंकि ऑयल वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं एक एक करके इसको ऑयल में डाल रही हूँ, और इसके ऊपर से ना ऑयल डालना है, और आप धीरे धीरे इसको घुमाते रहना है जिससे फटे ना, अगर ये फटे तो आप इसको कॉर्नफ्लावर में फिर से डाल सकते हो और उसके बाद इसको फ्राई कर सकते हो, पर ये बिल्कुल नहीं फटेंगे, आप पहले एक चेक कर देना और उसके बाद बाकी फ्राई करना। तो ये देखिए हमारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, और उसके हम लोग इसको एकदम मज़ेदार कड़ी इसकी कड़ी बनाएंगे। तो कड़ी बनाने के लिए ऑयल डालना है, और कड़ी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, जो वेजिटेरियन है जो एग नहीं खाते तो उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर देना मुझे कि आपने ट्राई करा है। और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक करना बिल्कुल फ्री है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, और मैंने जीरा डाला, हींग डाली और प्याज डाला, चॉप करा हुआ प्याज डालना है, हरी मिर्च डालनी है 2 से 3 जितना आप तीखा खाते हो, और उसको अच्छे से भून देना है। जब ये भून जाए अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें टमाटर प्यूरी, या टमाटर मेरे पास प्यूरी थी तो मैंने वो ऐड करी, आप टमाटर की प्यूरी खुद भी बना सकते हो। तो मैंने ये 2 से 2.5 टमाटर की प्यूरी होंगी जो मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो जो ये
ग्रेवी है ये बहुत ज़्यादा ना थिक होनी चाहिए और ना ही मतलब पतली होनी चाहिए, ना घनी होनी चाहिए, ठीक सी होनी चाहिए जिससे ये जो एग है इसमें जो कड़ी है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें मैं नमक डाल दूँगी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जैसे हम लोगों ने पहले डाला है उस अकॉर्डिंग डालना है। तो कश्मीर मतलब लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया, हल्दी और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देना मसालों को जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। जब टमाटर ऑयल छोड़ देगा और उसके बाद हम लोग इसको में पानी ऐड करेंगे। तो उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और आप इसको चलाते रहना जिससे ये चिपक ना जाए कढ़ाई। और इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। और मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट था तो मैंने वो ऐड करा है। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, मेरे पास था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आधा सा स्पून बेसन ऐड करा है जिससे जो ग्रेवी है वो मतलब अच्छी बने, घनी बने, इसीलिए मैंने आधा सा चम्मच बेसन डाला है। आप स्किप भी कर सकते हो इसको, ये ऑप्शनल है। तो उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और कस्तूरी मेथी का यूज़ करा है। कस्तूरी मेथी से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में, किसी भी खाने में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और उसको घुमाते रहना है। पानी अपने अकॉर्डिंग डालना, अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पतली खाते हो या घनी खाते हो उस अकॉर्डिंग डालना है। तो मैंने मीडियम सा बनाया था, मैंने चपाती के साथ बनाई थी तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करा, एक बड़ा गिलास मैंने पानी यूज़ करा है। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी थोड़ी घनी हो चुकी थी। तो उसके बाद इसमें दही डालनी है। दही बिल्कुल ताज़ा दही होनी चाहिए, खट्टी दही का यूज़ में नहीं करना जिससे आपकी ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। तो इसीलिए जब दही डालो आप तो उसके बाद इसको चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, दही फट जाएगी। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो दही फट जाएगी। तो हमारी दही और मसालों में मिक्स होगी। उसके बाद मैंने फ्रेश मलाई डाली है, इसमें क्रीम डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और हिलाते रहना। और हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है और इसको हम लोग सर्व करते हैं। तो एक बोल लिया है मैंने, मैं इसमें सबसे पहले ग्रेवी डालूंगी, पहले मैं थोड़ी सी ग्रेवी डालूंगी और उसके बाद मैं इसमें एग डालूंगी। तो जो एग थे हमारे वो बहुत ज़्यादा क्रंची बने थे और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि एग है वेज, मतलब ये पनीर के एग है या फिर दूसरे वाले एग है। तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल एग से लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। मैंने ना एक ऐसे ही ट्राई करा था खाने को, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हस्बैंड ने को तो बहुत पसंद आया। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हो। मैंने तो ये देखिए, उसके बाद इसमें मैं एग डाल दूँगी। जो उसके बाद एग डालने के बाद मैं ऊपर से इसके ऊपर फिर से कड़ी डालूँगी जिससे ये जो ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारी वेज एग कड़ी रेडी हो चुकी है। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ और इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। गाइस, तो मैं डिनर बना के हो चुकी हूँ फिनिश। तो मैंने वेज एग कड़ी बना दी है। तो मैंने रेसिपी पूरी आप हमारी डिटेल में शेयर करी आज। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर देना कि कैसे बनेगी। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बट ये देखा नाइस हो चुकी है, एक्साइटमेंट लेवल बस चपाती। मैंने आज स्टाइल चेंज कर दिया, कब सोच रहा हूं सलमान खान, सलमान खान तो ना मैं चपाती के साथ बनाऊंगी क्योंकि पूरी हमने कल भी खाई थी, या फिर नान के साथ खा सकते हो आप। तो जिसके साथ आपको मर्जी करे उसके साथ खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। तो बहुत टेस्टी मैंने रेसिपी आप साथ शेयर करी है, प्लीज जरूर ट्राई करना और फीडबैक देना और इन लोगों का रिव्यू मैं आप साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मैं अब चपाती बनाती हूँ डिनर करने के बाद। तो हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे डिनर, मैंने तो कर लिया, सोनाली और अनायसा अब करेंगे, बट सोनाली अब करेगी, अनायसा कर ही रही है। ये देखिए अनायसा ने पूरी रोटी मचका दी है और ये खाई आज इसने वेज एग कड़ी पनीर वाली। कैसे बनी है अनायशू, इसने पूरी मस्त मज़ा आ रहा है, इसको मूछ मांस के कर ली, जैसे हम लोग गांव में लस्सी के साथ करते हैं ना वैसे ही डिप्टो ऐसे कर दी है। और बाहर हो रही है ज़ोरदार बारिश, ये देखिए इसको पूरा, आप इसका मन नहीं है ना, आप पूरा पेट भर चुका है इसका दबा के। नहीं शु कैसे बनाए, बहुत टेस्टी बाबा, आप
मम्मी के हाथ होते। ये मम्मी के हाथों से मजा आ गया भाई। लिटरली आज जो बना है ना, आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ट्राई करना, इतना मजा आएगा ना, सीरियसली बता रहा हूँ। एक बार प्लीज जरूर ट्राई करना। अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को कमेंट में जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब करना। चलो मैंने बटन को देखना, फिर बटन भी नहीं आ रहा तो जान नहीं मैंने आ रहा। अरे आप कहाँ जाते हैं? अरे वाह। तो अब फीडबैक लेंगे हम सोनाली से कि आपको कैसा लगा आपके हाथ का खाना इसके बाद। तो ये देखिए किस तरह से बनाया आज खाना आप। तो मेरा खाना खा के ना बिल्कुल आनंद से प्यार से खाया और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया। और इसमें ना अंदर ना जब येलो येलो हो रहा ना, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एग खा रहे हैं। सच में मैं कोई तारीफ नहीं करी। मतलब आप एग खाते हो? हाँ मैं एग खाती हूँ, पर मैंने आजकल छोड़े हुए हैं। पर टेस्ट मुझे बताया का टेस्ट कैसे होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाते हो। बहुत टेस्टी है। मैं शायद पूरा खाया जितना मैंने इसको पीस किया था सचिन ने, बहुत टेस्टी बना। प्लीज़ ट्राई करना। और आज के ब्लॉग को मैं इतना ही रखूँगी। आप आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर से आप लोगों को सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इस ब्लॉग का एंड करूँगी। आई होप वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। We'll do next vlog. Bye bye. Good night. Thanks for watching. Like and comment.